विराट हिंदू जन समुदाय आज मुंबई में सड़क पर उतरा है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये दादर में शिवाजी पार्क से शिवसेना भवन होते हुए ये मोर्चा कामगार स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में इसमें हिंदू संगठनों से जुड़े बीएचपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं और अलग अलग इन्होंने तख्तियाँ ले रखी है और खास करके लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध धार्मिक स्थलों को मुद्दा बनाया गया है। देखिए अलग अलग तबकियाँ हैं, प्रेम का बहाना है, हिंदू लड़कियां हैं निशाना, ये इस तरह की बातें पूरे इस पूरे मामले की, भूमि रक्षा, राष्ट्र रक्षा, तो पूरी कोशिश है एक माहौल बनाने की, सरकार पे एक दबाव बनाने की, जिम्मेदारी बढ़ाने की। क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों सड़क पर इस तरह उतरे हैं? लव जिहाद जो हिंदू लड़की को बगराने की कोशिश करते हैं उसी के खिलाफ ये मोर्चा है। लैंड जिहाद और लव जिहाद के ऊपर ये मोर्चा है। आज हिंदू समाज एक जागरूक हो चुका है और जो जबरदस्ती लड़कियों का धर्मांतर कर रहे हैं उसके खिलाफ ये मोर्चा है। सरकार तो आप लोगों की है, हिंदू विचारधारा की है, फिर भी सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्योंकि ये विदेशी बाहर वालों का षड्यंत्र है। सभी हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा ताकि सबकी लड़कियां बचे। बहुत बड़ा षड्यंत्र, उनको बचाने के लिए सबको रोक उतरना ही पड़ेगा। तो लव जिहाद जो है विशेष तौर पे मुद्दा है और खास करके इसमें पिछले दिनों हमने जैसे देखा कि श्रद्धा वालकर जो वसई में रहती है उनकी जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, 35 टुकड़े कर दिए गए और आफ्ताब ने दिल्ली में कर दिया, उसको लेकर भी एक मुद्दा बनाया गया है। इसमें बड़ी संख्या में आरएसएस और बीएचपी के लोग तो ही हैं। बीजेपी के विधायक सुनील राणा जी, बीजेपी के विधायक भी इसमें शामिल हैं और सभी तरह के लोग, हिंदू खास करके हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं और सभी की एक ही मांग है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य में कानून बने और उसी के दबाव के तहत ये पूरी कोशिश की गई है कि पहले महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इस तरह के जन आक्रोश के मोर्चे निकाले गए और अब मुंबई में निकाला गया है दादर में, जहां पे बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं और यहां से एक संदेश देने की कोशिश है राज्य में प्रशासन को, सरकार को, सभी को कि जल्द से जल्द अपने कर्तव्य को निभाएं और धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएं और हिंदुओं की जो एक तरह से धर्म परिवर्तन कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को दबाने की कोशिश जा रही है, उसको होने से रोकें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोशन, सुनील सिंह, एनडीटीवी।